खबर पाली जिले के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ पालिका उपाध्यक्ष समेत पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने कोटेशन के आधार पर भुगतान करने पर रोष जताया और पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा समेत पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने पालिका ईओ नीलकमल सिंह राणावत को आवेदन पत्र सौंपा। बता दें कि इस आवेदन में बताया गया कि नगर में विकास कार्य बाधित होने का कारण नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने और बजट का अभाव होना बताया जा रहा है, जबकि ठीक इसके विपरीत लंबे समय से कोटेशन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। कोटेशन के आधार पर भुगतान करने की जानकारी पार्षदों को नहीं दी जाती है। इस संबंध में पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा के साथ बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका ईओ नीलकमल सिंह राणावत को आवेदन सौंप कर बैठक में स्वीकृति होने के बाद ही भुगतान करने की मांग की है। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। यह बात सही है। आज नगर पालिका तखतगढ़ के लगभग 17 से 18 पार्षदों ने इस आशय का ज्ञापन श्रीमान अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब को दिया है कि नगर पालिका के कोष से जो भुगतान होता है वह भुगतान कोटेशन के माध्यम से नहीं किया जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से यह सुनने में आ रहा है कि विकास कार्यों के लिए नगर पालिका के पास रुपए नहीं है, लेकिन बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए कोटेशन के माध्यम से जो भुगतान ठेकेदारों को किया जा रहा है वो प्रक्रिया उचित नहीं है। उस प्रक्रिया को पर रोक लगाने के लिए कि उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, हमने सभी पार्षदों ने इस बात के लिए एकमत होकर इस आशय से कि भ्रष्टाचार रुक जाए हमने ये प्रार्थना पत्र पेश किया है और हमें आशा है कि आज के बाद कोटेशन के माध्यम से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा और उसके लिए नगर पालिका में माह के अंतिम समय में सभी कोटेशन अगर कोई देने लायक है तो वो भी सभी पार्षदों के नॉलेज में लाकर ही भौतिक सत्यापन करने के पश्चात ही किसी ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा।